जय रघुनाथ जी के साहब, काले करनी सेना सर्व समाज आंदोलन की न्यूज बुलेटिन में नहीं दिखाई सकिया तो नारा भाई उन नाराज भी हुई गया। एक तो भोपाल में अपनो कोई प्रतिनिधि नहीं, व्हाट्सएप पे आया वीडियो उनका विश्वास नहीं करी सका, आंदोलन से जुड़े पदाधिकारी उनका फोन भी नहीं लगी रहा। आज अवेरम इनसे बात हुई, आज दंड में आंदोलन पे अलग से एक स्टोरी बनाई है, विक्की आप चैनल का पेज पे जाके देख ही सको। समाज ने संगठन कोई सो भी हो, न्यूज मालवा ने एक कायदो बनाया कि राजनीति की कम ने समाज संगठन उनकी सगली खबर उनके प्राथमिकता से उठाएगा। हनी वास्ते भरोसा रख जो, बात उठेगा भी ना मुकाम तक पहुंचेगा भी, जब तक जय भवानी को नारो गूंजते रहेगा आज से भी जय रघुनाथ जी की होती रहेगा। चलो मनाए आज का गणपति। चाइना की डोर ने पुलिस वाला सगला भाई बहन उनके भी चक्री बनाई दिया। बापड़ा कदी छत उन कूदता फिर रहा, कदी पतंग वाला उनकी दुकान पे तलाशी ले रहा, कदी सड़का उन पे जुलूस निकाली रहा। अपने अलग अलग थाना वाला उनने चाइना डोर को उपयोग नहीं हो एना वास्ते जुलूस निकाली, माइक उन पे अनाउंस भी करियो। पुलिस वाला उनको अनाउंस भी हसो नहीं रहा, जैसे नेता नगरी उनको रेवे। ई माइक से बोले मना समझी जाओ के अब नहीं माने चमड़ा टूटना शुरू। इक्का बाद भी कभी कोई ने चाइना के डोर से पतंग उड़ाई तो समझो हवालात में ठुनके खाएगा। वरना जाना पड़ेगा जेल, चाइना डोर से मत करो खेल, वरना जाना पड़ेगा जेल। चाइना डोर से छोड़ो कनेक्शन, ये सबकी है जान का दुश्मन। चाइना डोर से छोड़ो कनेक्शन, ये है सबकी जान का दुश्मन। खुशियों की होगी बौछार, देसी मांझे से मनाओ त्योहार। खुशियों की होगी बौछार, देसी मांझे से मनाओ त्योहार। अभी जैसे कि आपको विदित है कि चाइना डोर बहुत खतरनाक डोर होती है, जिससे आदमी की जान तक जा सकती है, और उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा चाइना डोर को प्रतिबंधित किया गया है, और पुलिस प्रशासन भी कंटिन्यू रूप से चाइना डोर के उपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई भी कर रहा है, साथ में जागरूक भी कर रहा है। दो पाड़ा उनकी लड़ाई में बागर को नाश, यह कहावत तो हमने सुनी होगा। दो प्रोफेसर उनकी लड़ाई में बनवा वाला छोर छोरी उनको सत्यानाश, या कदे नहीं सुनी होएगा। सुनो कई थमर सीधा दिखाई बिना, सोमवार माधव कॉलेज का नरा सरा छोरा उन या यूनिवर्सिटी का माँ कुलपति से मेलवान पहुंची गया। ये सब कही रहा यहाँ का मार साहब ने मास्टर ने मैडम की लड़ाई में छोरा उन निशाना बनी दिया। एक बापड़ा बालू सिंह के तो एमए का पहला सेमेस्टर में एक नंबर से लटकाई दियो। कुलपति मानी रहा कि माधव कॉलेज में मार साहब ने मास्टर ने मैडम की जंग में बापड़ा छोरा उन पिसाई गया। इक्का पेड़ा भी दोई की नरी सारी शिकायत उन कुलपति तक पहुंची थी। अब कुलपति कह रहा है कि बड़ा मार साहब को संग इन दोई के तेड़िया ने इनसे जवाब मांगांगा, इसके अलावा इनकी ड्यूटी भी परीक्षा उनमें नहीं लगवा दांगा। साहब माधव कला वाणिज्य का मामला है और वहाँ के प्राचार्य और प्रोफेसर आयुषी सूर्यवंशी मैडम लगातार बच्चों का शोषण कर रहे हैं, मात्र एक नंबर से बच्चों को फेल कर दिया। ये बालू सिंह जी है एमए फर्स्ट सेम के, इनको एक नंबर से फेल कर दिया और इन लोगों के डिस्प्यूट में बच्चों का लगातार शोषण हो रहा है। किया हूं। और आज भी मैंने अतिरिक्त संचालक को बोला है कि प्राचार्य और दोनों शिक्षकों को और मुझे हमारे सामने उनको लाया जाए और हम लोग एक बार फाइनली उनसे बात करते हैं। यदि वो विद्यार्थियों से इस तरीके से उनका व्यवहार रहेगा तो इस उन दोनों के खिलाफ जो है ये राज्य शासन को हम लिखेंगे। यहाँ उज्जैन में जस से मांकाल लोग बने, जस से पार्किंग ने यातायात की व्यवस्था चरमराएगी। इका वास्ता आंदोलन हुई रहा, अधिकारी उन भी की फिक्र करी रहा, नेता नगरी उन भी जगेगी। सोमवार सांझ के यहाँ नया कलेक्टर का ऑफिस का माँ है, इका वास्ते एक मीटिंग हुई। इन्हीं मीटिंग में नारा नेताजी उनने यातायात व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई, कोई एक घंटा मीटिंग चली होगा। इन्हीं मीटिंग में शिव दीपावली का आयोजन ने दीवा लगाड़वा का आयोजन पर बातचीत हुई। मीटिंग में कई वो जो हमारे कलेक्टर साहब ने मंत्री मोहन जी बताई रहा है। क्या जी, एक तो विक्रम उत्सव का जो आयोजन होना है जिसकी शुरुआत महाशिवरात्रि पर जो शिव दिवाली मनाई जाती है, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे निर्देश दिए थे और पिछली बार से अधिक भव्य स्वरूप में उसको मनाए जाने की प्लानिंग है, जिसके संबंध में बैठक आयोजित की गई, सभी के सुझाव लिए गए हैं और घर घर में दिए लगे, सभी लोग इसमें भागीदार बने, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे। और दूसरा जो महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद में श्रद्धालुओं की संख्या जो 5-6 गुनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या आ रही है, उस संबंध में सभी सुझाव प्राप्त किए गए, उस आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। हमारे वर्तमान के संसाधन एवं संसाधन का बेहतर उपयोग करते हुए आने वाले व्यक्तियों को कितनी बेहतर सुविधा दे सकते हैं, उस दिशा में काम करना शुरू किया है। उम्मीद है कि इसका रिजल्ट मिलेगा, खास करके शिवरात्रि को लेकर के जो भव्य आयोजन हो रहा है।
हमारे यहाँ सौभाग्य की बात है कि पिछली बार हमने जो रिकॉर्ड बनाया था दीपावली पे अयोध्या ने, वो रिकॉर्ड तोड़ा है। अब हम दोबारा विचार कर रहे हैं कि शिव दीपावली मने और ये दीपावली के माध्यम से बाबा महाकाल की जो महिमा है उस अनुसार यहाँ के आयोजन की शुरुआत हो। रेलवे का स्टेशन से चोरी हुआ 2 साल का वंश का मामला में रेलवे की पुलिस ने भी आखिरकार तीर मारी लियो। हिणा बच्चा के चुराव वालों जबलपुर को एक छोरो ने की बैरा दो धरे गया। सीसीटीवी में को फुटेज आई गया, भाई चत्रो बनी रहो थो बाल हुन छोटा करे लैंड मुच्छा मुंडवाली जना कोई पहचाने का नहीं। इक्के कई पदक पुलिस वाला उनके आंख में एक्सरे मशीन लगी रहे। जबलपुर को नितिन जैन ने की बैरा इन दो ही ना बच्चा का चोरी को खेल रचियो थो। इकी बैरा की तो जमानत हुई कि नहीं ना नितिन के जेल भेजी दियो है। उस संदिग्ध की पता रसी में दो दो टीमें काम कर रही थी और अन्य मुखबिर भी काम कर रहे थे, तो दिनांक 28 को वो मुलजिम जो सस्पेक्टेड है अपनी पत्नी के साथ मिला है और उसकी बात पूछताछ करने के बाद उससे गिरफ्तारी की गई है और उसको न्यायालय पेश किया गया। पत्नी जमानत पर वो जेल जा चुका है। वयाणी भोपाल में करणी सेना परिवार सर समाज आंदोलन चली रहो। आए उज्जैन में भी कुछ जम के हल्लो। भोपाल में सरकार ने सुनी रही इना वास्ते करणी सेना परिवार सर समाज का पदाधिकारी उन्होंने यहाँ उज्जैन में टावर चौक पर हल्लो करियो। मुख्यमंत्री शिवराज जी को पुतलो जलायो। पुलिस वाला भयुन भी पुतलो छुड़ाने जा जात तलाक तो पुतलो फुका ही भी गयो। ये ठाकुर साहब का छोरा होना इतनी देर करे कही थम देखता ज रही जा जात तलाक तो डैया ढूस हुई जाए। सामाजिक संगठन कोई सो भी हो, एक का हो तो आखा समाज की उन्नति में भी कोई योगदान रहे। अपना जिला का जाडा में कल राठौर समाज की संस्था मोदी राठौर युवा सेना को एक सम्मेलन हुआ। इना सम्मेलन का माय प्रदेश का 15 जिला उनसे 2000 लोग उन भेला हुआ। इना सम्मेलन का माय संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष सतीश राठौर जी ने उज्जैन का जिला अध्यक्ष गोपाल राठौर ने इनका साथे की टीम के नियुक्ति पत्र उन सौंपया। सतीश राठौर जी कह रहा कि समाज के राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, जिला स्तर उनपे समाज का छोटी-छोटी उन वास्ते छात्रावास की सुविधा हो सके, गरीब परिवार उनके सरकारी सुविधा उन मिली सके, इनाज वास्ते संगठन काम करेगा। इना मौका पे संगठन का प्रदेश का उपाध्यक्ष लखन सिंह जी, मुकेश राठौर जी, महासचिव महेंद्र जी, दूजा नरा सारा पदाधिकारी उन मौजूद था। एमपी में भी गजबज माहौल चली रही हो। जिक्क देखो मामा जी का माथे आई रही हो। पेंशन वाला उनका आंदोलन, करणी सेना परिवार सर समाज रो आंदोलन, स्वास्थ्य का कर्मचारी उनका आंदोलन, आंदोलन की इणी चेन का माप भी एक और कड़ी जुड़ेगी। चौथी श्रेणी का कर्मचारी उन भी मैदान में आ गया। इनने भी 4 चरण को आंदोलन शुरू कर दियो। एक कैरक प्रदेश की सरकार आउटसोर्स से कर्मचारी उनकी भर्ती करी रहे, जो पहला काम करी रहे इनके अंगूठे दिखाई रही। देखी रहो मामा जी, तब मुखिया इनकी भी सुननी पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज कलेक्टर द्वारा जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हमारी जल्द से जल्द जितनी भी मांगे हैं उनको अति शीघ्र पूर्ण करें, नहीं तो लघु वेतन कर्मचारी संघ पूर्ण जोश से अखाड़े में उतरेगा। विक्रांत भैरू का मंदिर का कण रविवार रात के एक बाबा जी कुटाई गया। काल गिरी जी महाराज यहाँ शमशान में विराजी रहा था। काले भैरू जी को भोग लगाई के 4-5 जना उन्हें इनका कने पहुंचा, बाबा जी बुरी तरह बजाई दियो। इक्का बाद इनको बैग बैग में रखा 7000 रुपया कपड़ा लगता सब लेके फुर हो गया। बताओ आप, यहाँ शमशान जैसी जगह में बाबा जी उन जैसा लोग भी सुरक्षित नहीं है, थमने में काय में लगा। क्या भोजन बना रहा था, 3 मूर्ति आए, उनने मारा कुल्हाड़ी से, हमारा सामान लेके चले गए। कौन लोग थे वो, नाम पता कुछ है? नहीं, यही जानता नहीं हूँ मैं उनको। कितने लोग थे वो? 3 मूर्ति थे। कितनी बजे घटना है ये? वही 4 बजे करीब घटना है। काय के लिए मारा आपको ये? पैसे के लिए, लूट मार करने के लिए। हिणा भैया साहब के देखो, सरकारी अस्पताल का मैं भर्ती हिणा भैया साहब को नाम है सोनू। सोनू भैया जनरेटर की गाड़ी चलाएं, चामुंडा माता के दरबार में सेवा भी करें, यहाँ रह भी सही। बाइक के सिगरेट पीवा की आदत, इन्हीं जादत का चक्कर में काला गोपाल मंदिर से 80 रुपया खर्च करके जमाजम गैस वालों लाइटर लाया। पान की दुकान पर गया, वहाँ सिगरेट खरीदे, झांकी में जेब से लाइटर निकाल लियो। इक्का बाद सीधा अस्पताल पहुंची गया।
इन्हीं बीच में कई वो इनकी याददाश्त से सब कई मिट्टी गयो। याद भी होएगा तो ये दोबारा भी कई याद नहीं करेगा। काय वास्ते झांकी मारो यार, एक रुपया की माचिस से बड़ी चंगी थी। गैस पेट में होए के लाइटर में जद भी फटे ने तो दुख आतड़ा उनके जो है। लाइटर लिया 80 रुपए को ठेले वाले से। क्या ठेले वाले से लाइटर लिया? गो वालों के फराए के वास्ते लाइटर लेकर आया। 8 दिन हो गए तो लाइटर को मेरा हाथ से गिर गया। वो तो मेरे को कुछ भी लिखो जो वो रख लिया। मैंने सिगरेट ली, सिगरेट जलाने लगा तो लाइटर लीकेज हो गया था। वो तो एक दिन की झड़के ने मेरी आँख पकड़ ली। फतेहाबाद में चंद्रावतीगंज में काले कबड्डी की प्रतियोगिता हुई। इन्हीं प्रतियोगिता में उज्जैन ने इंदौर दो ही जिला का गांव उनकी 40 टीम उनने भाग लियो। दोपहर से शुरू हुई यह प्रतियोगिता रात के 10 बजे तक चलती रही। कछाड़िया गिरोता गांव की टीम में फाइनल मुकाबले हुआ। एक में कछाड़िया टीम ने बाजी मारी ली। बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है दोनों टीमें फाइनल खेल के। मांकाल का मंदिर कने जितना भी मकान उन्हें बापड़ा सगड़ा मकान वाला उनके दुग्धुगीज बंदी रहे। कई पतो कदा कलेक्टर का यहाँ से नोटिस आई जाए। अब आर फिर से यहाँ बेगमबाग वाला रोड पे रेवा वाला 13 मकान वाला उनसे मकान उन खाली करावा कोशिश शुरू हुई है। ये सब कह रहा थम जो सर्वे नंबर बताई रहा विक पे तो हम राज नहीं, हमारे से का वास्ते मकान खाली कर रहा। सोमवार कांग्रेस का शहर का अध्यक्ष रवि भदौरिया जी के साथ इस सब कलेक्टर का ऑफिस भी पहुंचा ने अपनी बात रखी। हमने ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को ये बताना चाहा है कि जिस भूमि पर वो लोग रह रहे हैं वो शासकीय भूमि नहीं है। वो सर्वे क्रमांक जिस पे आप बता रहे हैं कि सर्वे क्रमांक को वो लोग रह रहे हैं, उस सर्वे क्रमांक पर न रहते हुए अन्य दूसरे सर्वे क्रमांक पे जिस उनकी खुद की निजी भूमि है उस पे वो मकान बने हुए हैं। लोगों ने बड़ी मेहनत से अपना पैसा लगाकर अपना मकान बनाया है। अब जबकि उन कई मकानों पे कोर्ट के स्टे आ चुके हैं, हाई कोर्ट के कुछ लोगों ने स्टे लगा रखे हैं, तो हमारा प्रशासन से ये कहना है कि आप वापस एक बार सीमांकन करें। 13 मकान जिनके आप नोटिस दे रखे हैं उन 13 मकानों के जो जवाबदार लोग हैं, मुखिया हैं, उनको वहाँ पे सामने खड़ा रख के सीमांकन करें। दासा उन मालवा न्यूज की खबर उन पसंद आई रही हो तो इसके दूसरा लोग उन तक भी भेजवा में हमारी मदद आपके करनी है। जितना भी लोग उन न्यूज शेयर करी रहे वे सब न्यूज मालवा परिवार को हिस्सा बनी गया। अपना आज कुनबा में इनाम मालवी न्यूज का दर्शक उनको सम्मान करने का हमारो सिलसिलो चलतो जा रहे हो। आज सरदारपुरा में रहने वाला मीर परमार जी के तेड़ियान विन को भी सम्मान करियो। बहुत बढ़िया न्यूज चैनल है, अपनी मालवा भाषा में बोला जाता है और बहुत मजा आता है सुनने में, और इतने लोगों को शेयर कर दिया है हमने जिसकी कोई हद नहीं। खूब मजेदार चैनल है, खूब मजा आता है सुनने में, सारी अपडेट मिल जाती है, सब कुछ न्यूज मिलती है, सब कुछ अच्छा लगता है। झाबुआ जिले में रायपुरा थाना का माँ कुंभाखेड़ी गांव में दो जने उनने मली के अपना घर की एक बैराक मारी लख्यो। गरी घर का झगड़ा में देरानी जेठानी उन आपस में 80 भिड़ी मौका पे एक तो खत्म हुई गई। कुंभाखेड़ी गांव में ये झगड़ो शनिवार की रात के हुए थो। यहाँ रहने वाली 55 साल की लीलाबाई लोधा का साथ इनकी रिश्तेदार पूजा लोधान श्यामाबाई लोधान मारपीट करी। दोनों ने लीलाबाई का माथा पे लट जड़की दियो, जबड़ा तोड़ी दिया, बापड़ी मौका पे खत्म हुई गई। इना मामला में पुलिस ने हत्या करवा वाली पूजा ने श्यामाबाई दोई के हिरासत में ले ली है। झाबुआ में एक दुकानदार का उल्टा रोजा गले पड़ी गया। ये बहन ज्यादा चतरा बनने का चक्कर में चोरी का मामला में एक औरत के अपनी दुकान का माय बंदी बनाई ली। भाई कानून की मदद लेवा का बजाय खुद देवा के अदालत को फैसलो करने चलिए थो, अब खुद ही हवालात की हवा खाई रहे हो। पूरा मामलो कई है के समाजवा से पीड़ा थम यो एक वीडियो देखो। अबे सुनो अग्गे की दस्तां। झाबुआ में बाबेल चौराहे पे एक दुकान के शीतल श्री कपड़ा भंडार दुकानदार शीतल हरसोला दुकान पे बैठे थो। इनाज बखत एक बहरा आई ने साल को बंडल लेके चंपत हुई गई। दुकानदार ने के देख ही लियो, एरे मेरे का लोग उनकी मदद से के पकड़ी भी लियो। यहाँ तक तो ठीक, पर इनने तो विके दुकान का खंभा में रस्सी से बांधी दियो। यह आखिरी घटना CCTV में कैद हुई गई। वीडियो उनमें वायरल हुआ तो दुकानदार का फजीता हो गया। हिंदू युवा जनजाति संगठन ने जयश ने दुकानदार शीतल हरसोला के खिलाफ मोर्चा खोली दियो। भाई चोर के पकड़ने चले था भाई इन्हीं दुकानदार पे उल्टा मारपीट ने बंधक बनावा की धारा उनमें रिपोर्ट लिखाई गई है। इनाज वास्ते के वे हर कोई अपनी अदालत खुद लगावा लगी जाएगा तो अदालत उन जो पहला से चली रही विन पर कहीं ताला मारांगा।
आपने बुलेटिन देखियो, आपके कैसा लगे बता दो जरूर कमेंट बॉक्स में। आपके कहीं ना कहीं लिखनो है, कहीं लिखनो आपसे रोज अर्ज करूं। जय राम जी की, जय रघुनाथ जी की। काले फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। हमारे हेमंत सेन के दीजो इजाजत। जय रघुनाथ जी की। न्यूज शेयर करना मत भूल जाओ बिल्कुल भी। जय माता दी।